ये है असली नजारे, चले वहां नहाने। तो भाई सारी चॉपिंग हो गई है, प्याज टमाटर आलू और ग्रीन प्याज थी हमारे पास, वो भी काट दी। ये तो चम्मच ही मुड़ गया, देखो घी निकालते निकालते कितनी ठंड है भाई। देखो भाई इसमें जा रहा है देसी घी, वाह जी वाह। इस पे रख भाई, प्रेशर में आ चुके हैं। बोतल में पानी तो यार ऐसे होगा, एक कैमरा एक बार डाल के कैमरा तीसरा डाल के दिखा दो एक बार। अरे गिर गए भाई। चलो भाई आगे काजा वाले रोड पे, और चढ़ गई गाड़ी। और ये जो रोड है ना, ये पूरा का पूरा ऑफ रोड ही है। और यार हमने किसी से पूछा भी नहीं कि ये रोड चालू है या बंद तो नहीं हो गया, कम से कम भूल ही गए। उधर ही पूछ लेते रेस्टोरेंट वालों को। चलो देखते आगे कोई ना कोई मिल जाएगा। वैसे तो धूप इस साइड ऐसी पड़ रही है कि इस साइड बर्फ है ही नहीं ज़्यादा, तो उम्मीद है कि खुला होगा। तो रोड तो यार ठीक ठाक ही है, ये जैसा पहले था, मतलब वैसा ही एक ऑफ रोड ही है, लेकिन बंद नहीं है कहीं भी। थोड़ी बहुत बर्फ़ और कीचड़ है कहीं कहीं, बाकी तो भी बढ़िया। देखिए इस तरफ तो पूरी बर्फ़ सूख गई है, नाले में भी पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा सूखा हो गया भाई इधर तो। गाइस ये देखिए बोर्ड लिखा हुआ है, तो ये है लालुंग का रास्ता, और जो कि बंद है अभी। तो मुझे लगता है आगे स्नो होगी या कोई ना कोई दिक्कत तो होगी भाई, काफ़ी बड़ा ये लगा हुआ है। तो अभी हम धनकर से आ रहे हैं और काजा की तरफ हम जाएंगे सीधा, और ये है लालुंग। तो भाई ये तो बंद है, गए थे हम लालुंग जैसे ना? नहीं पिछली नहीं। बार हमने सोचा था जाएंगे, और लगता है आगे कुछ क्या हो सकता है, वही होगा बर्फ होगी शायद यार। तो ऐसी मिट्टी से कौन रोकता है यार रास्ते को। तो ये जो रोड दिख रहा है ना, ये पक्का रोड है, बिल्कुल खराब लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी पत्थर कीचड़ गिरा हुआ है। अब जाके साफ हुआ, देखिए लिंगती 5 किलोमीटर वहीं जाना हमने पहले नीचे, है ना 5 किलोमीटर उतना शायद, अभी हमने काफ़ी उतरना पड़ता है नीचे के लिए भी यहाँ से। तो अब तो नज़ारे बढ़िया हो गए, रोड भी बढ़िया हो गया। देखो भाई सामने अपनी सारी गाड़ियाँ निकल गई है, मैं जरा सा फोन पे क्या बात करने लगा, इन्होंने तो खींच दी गाड़ियाँ हैं कच्चे तो रोड में, हल्के में ले लिया। कच्चे रोड में तो ऐसे चलते हैं ना ये, जैसे पता नहीं सांप सूंघ गया इनको, और जैसे इनको सही रोड दिखता फिर ये हवा हो जाते हैं हवा। चलो कोई बात नहीं, हम ऑलराउंडर हैं, और नीचे मेन रोड पे पहुंचने ही वाले हैं। देखो भाई सामने कैसे कैसे टर्न आ रहे हैं, अच्छा पत्थर है इसलिए सब ऐसे ऐसे घूम गए। ये अभी आया ही क्या, हिल रहा है जैसे। ये है यार, ये देखो आप भाई, वो रहा पिन वैली का रोड सामने, वो जा रहा है, मतलब रोड नहीं जा रहा है, रोड वो रहा ये है। और इधर नीचे से शॉर्टकट भी है, वो भाई टावर सा है, उस टावर के पास से बीच से शॉर्टकट है, हम लोग तो आए भी हैं एक बार। तो ये देखो अपनी गाड़ियाँ, ओ भाई क्या सही है। इससे नीचे वाला जो रोड है वो मेन रोड है। तो अगर हम मॉनेस्ट्री से नीचे को जाते और फिर वहाँ से नीचे से मेन रोड से आते तो भाई हमारा जो है काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता, और किलोमीटर भी लगभग डबल हो जाते। तो अभी शॉर्टकट से हम निकल गए और देखिए पहुंच गए लिंगती। अच्छा लिंगती अभी भी 1 किलोमीटर है। चलो चलो लालुंग, यार ऊपर से मैंने गूगल मैप में डाला था 16 दिखा रहा था, यहाँ से 13 है, पता नहीं भाई क्या चक्कर है, क्या है एग्जैक्ट डिस्टेंस हमें नहीं मालूम। चलो 13 और 16 के बीच में ही होगा। और ये अब चलते हैं सीधा काजा की तरफ, और मेरे ख्याल से काजा यहाँ से होगा अब कितना होगा, 22 पता नहीं। ये अभी है पत्थर है ना ये सारे, पहले तो थे नहीं रोड पे इतने बड़े बड़े पत्थर यार। वाह पूरी चट्टान खिसक गई है भाई ऊपर से। और ये सामने वो फ्रोजन वाटरफॉल टाइप बहुत सारे लोग दिखाते हैं, तो यहाँ पर एक मेरे ख्याल से बिजली वगैरह बनती है तो पानी आता है बहुत सारा, तो वो दिखता है ऐसा जमा हुआ पूरा। तो मार्च तक भी होता था लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज होगा, जब मैं 20 में आया था 2020 में तब यहाँ पर वो फ्रोजन था मार्च के वही मंथ में, लेकिन अभी मुझे नहीं लगता होगा। तुझे क्या लगता है? नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि मैंने वीडियो देखी है अभी कुछ दिन पहले की लोगों की, तो तभी वो आधा हो गया था, और अभी अगर थोड़ा बहुत मिलता है तो हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज नहीं है यार, पानी पानी हो गया है पूरा। ये वो पूरा टोटली फ्रोजन होता था, ये टोटली फ्रोजन। अरे वो साइक, अरे आगे वाला, अरे भैया है, भैया है, देखिए लोग मजे ले रहे हैं, ये देखिए नजारे।
बहुत बढ़िया लग रहा है, देखो क्या शानदार लग रहा है। एक तो पिघल गया पूरा ही, दूसरा है आगे तो नाला जमा ही हुआ है, ये देखो। अरे आगे तक नाला जमा हुआ है, अंदर तक। वाह वाह कितनी ठंडी हवा आ रही है अंदर, पानी की बूंदे भी आ रही थोड़ी बहुत। वाह जी वाह, ये देखो ये है असली नज़ारे। चले वहाँ नहाने, जाओ भैया चलो, आपको कोई मना नहीं है। चलो भाई आपको ये भी दिखा दिया नज़ारा, लेकिन जब ये भी जम जाता है वो भी जम जाता है तो ऐसा लगता है बर्फ का पहाड़ है पूरा। चलो रात को क्या पता थोड़ा और जम जाए। तो हमारा आइडिया निकला गलत? हाँ नहीं मिक्स थोड़ा सा मिक्स। वो देखिए भाई नीचे क्या हो रहा है, बवंडर आ रहा है, बवंडर। कहीं ऐसी जगह हमने कैंप लगा दिया और ऐसा तांडव हो जाए ना तो हमारा खाना तो बर्बाद होगा ही होगा, साथ में हमारे सामान भी उठ जाएंगे आधे से ज्यादा। भाई क्या खतरनाक धूल उठ गई नदी में। अभी मैं थोड़ी देर बोल रहा था यार रिवर साइड करेंगे यार कैंपिंग, मजा आएगा, लेकिन भाई काहे का रिवर साइड। रिवर साइड के चक्कर में पता चला कि कहीं कुछ और ही हो गया, उठ गए। ये रहा पिन वैली का रास्ता, यहाँ से लेफ्ट साइड को जाते हैं, मुद विलेज है लास्ट विलेज, वहाँ तक जाती है पिन वैली पूरी, और नेशनल पार्क भी है ये पिन वैली नेशनल पार्क। देखिए लिखा हुआ है काजा 16 और मुद है 34। चलो भाई निकल जाते हैं यहाँ से भी। वाह वैसे तो मैं इनको हर बार ही देखता हूँ, हर साल ही आ जाते हैं, लेकिन अभी इनके ऊपर धूप पड़ रही है, नीचे छाव, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था ना। नीचे कोई गाड़ी तो नहीं है ना, वो देखो ऊपर, ये देखना सामने, ये देखो कैसे पत्थर टिका हुआ है उसके ऊपर, बहुत ही सही लग रहा है भाई। तो ये जो है ना बर्फ और हवा से, ये जो नीचे को इनकी लाइनें बनी हुई है तो ऊपर से बर्फ पड़ती है और बर्फ का पानी ऐसे नीचे को आता है, जैसे मिट्टी के ढेर में हम जब पानी फेंकते हैं ऊपर से तो कैसे बन जाता है, सेम वही कंडीशन है। बाकी यार इसके ऊपर जो टोपा है ना पत्थर का, ऐसा लग रहा है भाई क्या ही है ये, क्या ही, देखो खतरनाक लग रहा है वो, खतरनाक, क्योंकि वो पत्थर के ऊपर पानी गिरेगा नहीं, बारिश भी नहीं गिरेगी, बर्फ भी नहीं गिरेगा, तो उसके नीचे वाला हिस्सा पिघल ही नहीं रहा है, साइड वाला पिघल गया, इधर भी यही है देखो ऐसे। हाँ बहुत शानदार शानदार है। तो देखिए भाई क्या शानदार लोकेशन है, ऊपर का पहाड़ देखिए कितना बड़ा है। तो भाई देखिए ये गाड़ियां लग गई अपनी, और ये जो भैया जी हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, इनका होमस्टे यहाँ पर, ये रहा देखिए रोड के साथ में ही था लेफ्ट साइड में डोलकर होमस्टे, तो भाई ने हमारी गाड़ियां घुमा के जो है यहाँ से लाई है इधर, तो बोला कुकिंग और कुछ भी करना है तो यहाँ पर करो, कैंपिंग करनी है तो यहाँ पर करो, और कैंपिंग चार्जेस थोड़े बहुत दे देना, कैंपिंग चार्जेस उस लिए क्योंकि हमें नहाना है, और यहाँ पर है सामने वॉशरूम तो नहा लेंगे बढ़िया, और हमने तो एक रूम भी ले लिया है क्योंकि बहुत दिन हो गए कैंपिंग करते करते, तो टेंट खोलना टेंट में सोना तो भाई इतना इजी भी नहीं होती है कैंपिंग, तो 6-7 दिन हो गए कम से कम, तो आज जो एक रूम ले लिया बढ़िया सा, और इच्छा तो खाने की भी थी लेकिन भाई बोल रहे हैं कि बाज़ार जाना पड़ेगा सब्जियां वगैरह लाने के लिए, तो फिर वो अपने हिसाब से बनाएंगे, तो हमने बोला यार इतना कष्ट क्यों करना हम ही बना देते हैं। तो ये कुछ व्यू है, और पीछे देखो आप स्नो पीक माउंटेन्स भाई, लेफ्ट साइड वाले पहाड़ में पूरी बर्फ़ है और राइट साइड वाला पहाड़ पूरा खाली है बिल्कुल, वो देखिए थोड़ी सी है, हाँ थोड़ी सी दिख रही है बर्फ, बहुत ही कम, और लग गई सारी गाड़ियाँ। तो जी ठंड है काफ़ी ज़्यादा, तो हमने गले वाला पट्टा भी लगा लिया है, सिर वाला भी लगा लिया है, और कुक्कू बैठी हुई है गाड़ी में ही क्योंकि इसका मन नहीं है आज, थक चुकी है, तो इसीलिए हमने रूम लिया है, अब ये गाड़ी में बैठी है, थोड़ी देर बाद इसको रूम में छोड़ देंगे, और यहाँ पर आज एक ही किचन खुलेगा और काम करेंगे सब। तो भाई ने मुझे दे दिया चॉपिंग का काम और मनसा को, तो हम दोनों करेंगे चॉपिंग है ना, और वहाँ से आ गई बड़ी टेबल, हाँ चलो खुल गया, इसी टेबल के ऊपर हम करेंगे अभी चॉपिंग भाई। तो भाई मैं और मनसा कर रहे हैं चॉपिंग, सबसे पहले मनसा आलू काटेगी ना, हाँ। चलो मैं इसको आलू छील के देता हूँ, बोर्ड तो आया नहीं आपका, ऐसे काट लोगे, हाँ।
चॉपिंग बोर्ड तो आया नहीं आपका? नहीं, नहीं पापा ने बिना चॉपिंग बोर्ड का मैं तो नहीं काटूं। बोलो पापा को फिर क्या हमारे पास नहीं कुछ नहीं बनाई एक बड़ी नहीं नहीं फिर कैसे होगा बनाई बड़ी बस तो हमारे रोटी बनाने का भाई चॉपिंग बोर्ड नहीं है ये तो भाई सारी चॉपिंग हो गई है प्याज टमाटर आलू और ग्रीन प्याज थी हमारे पास वो भी काट दी है और लहसुन बचा शायद और भाई इधर भाभी जी लगे हुए आज अकेले ही कुकू कोई हेल्प नहीं कर रही है भाई वो सुस्त हो गई है बैठ गई है तो चलो आज सभी हम लोग कर रहे हैं कपिल भाई कर रहे हो भाभी की हेल्प या नहीं भाई पूरी हेल्प है ना यार ऐसे हाँ, क्या कर रहे हो चॉपिंग हम कर रहे हैं यहाँ किचन में आप कर दो भाई पूरा गर्म पानी करा आप लोगों की व्यवस्था करिए पूरा हाँ। पीछे की व्यवस्था संभालना भी समझ जाओ बात ही घर है यार सही, सही, काम सही। भी काम हर तरह का होता है तो भैया इधर हमारी सब्जी तैयार है चकाचक प्रेशर निकल रहा है उसका ठंडा हो रहा है और इधर क्या ढूंढ रहे हो जी आप रेडी हो गया खाना चकला बेलन तो आप रोटी बनाने की तैयारी अच्छा बनते बनते खाएंगे गर्मा गर्म भाई मजा उसी का है अरे भाई दो दो दोनों को एक साथ फ्री कर देंगे ना सही 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 तो देखते हैं भाई भाभी जी क्या बोल रहे थे भाई इस डिश को साटा रोटी बोलते हैं भाई आलू प्याज टिक्कड़ वैसे तो ओके बट प्रॉपर टिक्कड़ नहीं है ये साटा रोटी बोलते हैं हमारे इधर घी वाली मोटी रोटी चलो भाई पता तो हमें नहीं स्पेशली सर्दियों में बनती है अब सर्दियों में खड़े अपन यहाँ पे अरे यहाँ तो दबा के सर्दी है जो देखने वाले वो बोलेंगे पागल हो गए सर्दी बोल रहे और क्या ये देखिए भाई भाभी जी ने कर दिया स्टार्ट बनाना और यार शुरू से दिखाना था ये तो जाओ हम लोग नादों के रेडी हो जाएंगे तो क्रिकेट खेल लेंगे ये देखो घुमा घुमा के कुछ स्पेशल बन रहा है भाई हम भी सीख लेते हैं सीख ले भाई कुकू कहां अच्छा वो तो हीटर उसका आते ही वो हीटर पकड़ लिया भाई ठंड तो है यार -60 डिग्री बता रहा है अभी लाया तेरे लिए हां सर देखिए अच्छा इसमें लपेट लपेट के घी डाल के अच्छा आटे में कुछ स्पेशल डाला क्या अजवाइन डाला है ये तो बच्चों का है। ये भी बच्चों के लिए तैयार हो चुका है ये तो भैया यहाँ पर प्लान में चेंज आ गया है रोटी सिक रही है यहाँ पर और मुझे इस रोटी को देख के याद आ रही है कश्मीर वाले रोटी की हमने कश्मीर में खाई थी ऐसी रोटियाँ बिल्कुल सेम तो देखते हैं टेस्ट कैसा है वैसा या कुछ अलग है बाकी सब्जी आ चुकी है ये अच्छा टेस्ट हाँ ये अलग है वो तो भटूरू टाइप था ना कुछ भटूरू तुम्हारे भटूरू होते ना मैंने मेलों में खाए भाई छा ली तो रहे और काम है क्या ये है भाई आनंद की सीमा गर्मा गर्म रोटियां भी सिक रही है बीच में और इधर होम डिलीवरी क्यों अरे वाह सीधा ही नहीं इस पे घी घी डाली घी डलेगा ये रहा घी पीछे ये रहा घी डलेगा अच्छा इसके ऊपर भी घी लगेगा अभी हां भाई अरे भाई ना उसके मजा थोड़ी ना था अरे भाई घी खिला खिला के खत्म करोगे क्या घी भी इधर इधर गर्म हो जाता है ये तो चम्मच मुड़ गया देखो घी निकालते निकालते कितनी ठंड है देखो भाई इसमें जा रहा है देसी घी वाह जी वाह इस पे रख साइड में गर्म है वो भाई इस पे रखना यार भाई रोट भाई रोट बोल दो या साटा रोटी बोल दो साटा रोटी तो साटा रोटी बोलते हैं इसको साटा रोटी साटा रोटी अपने चूरमा नहीं बनाते भाई वैसे साटा रोटी के हिसाब से भी एक नंबर कमी है पहले हम इसको सूखा टेस्ट पहले सूखा टेस्ट करेंगे कैसा बना है बहुत टेस्टी है पक्का डन है ना एक पास कर दिए ये सच में चूरमा की तरह है ये चूरमे की रोटी बनता है भाई ऐसे ही इसी का चूरमा बनता है बस उसमें घी ज्यादा होता है अच्छा दीपक भाई बताओ कैसा क्या है मजेदार भाई मजेदार बहुत बढ़िया मजा आ गया ऐसा आनंद ढाबे पर नहीं आता अपने को यहाँ पर अभी तो भाई खाना पीना हो गया सबका और मेरा मोबाइल पड़ा यहाँ पे सुनील भाई खा रहे हैं अभी और भाभी जी सबसे लास्ट में भाभी जी के लिए भैया जी करेंगे भैया अरे देखते हैं भाई ओहो फुल सेवा करनी पड़ेगी भाई साहब अच्छा गर्मी के चक्कर में गए हो मतलब सेवा के चक्कर में नहीं नहीं भाई भाई पूरी वो ध्यान रख रहे हैं तो इसको देखो सेक रहे हैं बढ़िया से लेकिन इसकी फ्लेम इतनी भयंकर है कि भाई क्या ऊपर से मंदी मंदी आज पे सेक रहे हैं हाँ भाई टेंट खुल गया ना आपका अच्छा ओ भाई पूरा रेडी है टेंट तो यहाँ तो भाई सभी का ऑलमोस्ट होने ही वाला है पैकअप और एक तरफ हमारे बर्तन धोने वाले सुस्त प्राणी अब जो है पता नहीं कैसे पावर में आ गए क्या हो गया तुझे अब रूम दिख रहा है ना अब घर जाने की जल्दी हाँ अच्छा समझो बात सब निपटा के मतलब नहीं हम तो टैक्सी करवा के भिजवा देते अगर ऐसी दिक्कत बिल्कुल कुछ भी काम नहीं किया इसने अब जाके बर्तन धोने के लिए आगे हो गया भाई प्रेशर में आ चुके हैं बोतल में पानी तो यार ऐसे होगा एक कैमरा एक बार साल कैमरा तीसरा डाल के दिखा दे एक बार अरे गिर गया भाई कुछ नहीं होगा अरे गिर गया ऐसे मत करो यार देखिए भाई कपिल भाई पानी तो भर नहीं सकते बोतल में है भाई हंसाओगे तो कैसे करोगे बैलेंस वाला काम ही है हाँ अब बोलो मेरी तुम्हारे हाथ कांप रहे हीटर के पास कांप नहीं रहे वो देख भाई अरे भाई इसमें निशाना सही लगा है? भाई वो हंसा रहे थे तुम लोग चलो भाई निकल रहे हैं हम लोग
गुड नाइट कपिल भाई, गुड नाइट भाई, गुड नाइट। ये बंद हो गया क्या? तो भाई चलते हैं। स्टार फोटोग्राफी कौन करेगा? अरे भाई हो गई अब स्टार। तो दो भाई लोग सो रहे हैं गाड़ी में और मैंने और कपिल भाई ने लिया है रूम वो सामने, तो हम लोग जा रहे हैं रूम में। आप कहाँ पे सोने वाले हो भाई? वहाँ रूम में। रूम में? यस। ठीक है, तो मिलते हैं सुबह। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके भाभी, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो कपिल भाई आ जाओ। अरे भाई ठीक है। तो जी हम लोग आ चुके हैं अपने रूम में और रूम देखिए एकदम नीट एंड क्लीन, बहुत ही साफ सुथरे, बढ़िया रूम। हाँ बेडिंग बढ़िया बनी हुई है, लेकिन ये है कि सिंगल बेड के है जो भी है कपड़े, तो कोई बात नहीं हम कर लेंगे मैनेज, हमें तो ठंड लगेगी, हम सारे ही एक साथ लेकर के सो जाएंगे। और साथ में देखिए यार बैठक कितनी प्यारी बनी हुई है। और नीचे मैं नंगे पांव चला थोड़ी देर और ऐसा लगा कि अभी बस ख़त्म ही हो गया, जैसे यहाँ तक तो सुन हो गए नीचे से पांव। बहुत ज़्यादा ठंडी है यार मैट भी, जबकि हमारे घर में मैट जो है गर्म रहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है। अच्छा है ना? हाँ तो बस फिर चलो सो जाओ। तो दोस्तों ऐसा है, इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि कल सुबह शायद हम जाएंगे, कहाँ का प्लान था है? भूल गए। काजा, काजा से जाएंगे हम लांगजा हिकिम कॉमिक। हाँ ठीक है, फिर चीचम। तो आज की कैंपिंग ऐसी ही होगी क्योंकि अब रूम लेना भी जरूरी होता है, बीच में कैंपिंग में रेस्ट करना प्रॉपर। क्योंकि अगर हम जो है ना एक लोकेशन पे दो दो दिन कैंपिंग नहीं करते, अगर ऐसा करें तो भी हम रिलैक्स हो सकते हैं, दिन को बढ़िया अपने नहाए धोए एंजॉय किया। तो हमारे साथ जो है कपिल भाई हैं, उनको थोड़ा सा निकलना है घर के लिए, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आज रूम लेकर के कुकिंग बाहर करके बढ़िया हो गया। तो चलिए यार वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब और अच्छे से कमेंट करना ना भूलें। और फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल मत, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।